नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी पेज नंबर 49. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म. मींस बेटा आपको क्या करना है, ये हमें क्यूब्स इनका क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके बेटा, आपके पास दो आइडेंटिटीज हैं इनके लिए, एक प्लस की और एक माइनस की. सबसे पहले आपको उनका रिजल्ट याद होना चाहिए. ओके, तो आइडेंटिटीज आपके पास है ए प्लस बी का होल क्यूब. ओके बेटा, इसके आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, और सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब. ओके, इसका रिजल्ट होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ओके बेटा, दीज आर टू आइडेंटिटीज ऑफ क्यूब. ओके बेटा, आप देखिए आपके पास क्या है, फोर पार्ट्स हैं आपके पास. ये प्लस वाला आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये कौन सा है, नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का. ओके, अगर पॉजिटिव सिंबल होगा तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, पॉजिटिव, और नेगेटिव सिंबल होगा तो नेगेटिव की आइडेंटिटी. ओके बेटा, आप देखिए आप फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, बेटा आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कीजिए. आप देखिए आपको क्या करना है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब करना है. ओके बेटा, अब देखिए आप होल क्यूब की आइडेंटिटी कौन सी हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब. ओके, a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है आपके पास, a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके बेटा, आप कंपेयर कीजिए, आपकी a की वैल्यू देखिए, आप a की वैल्यू कौन सी है 2x, और b की वैल्यू कौन सी है 1. मीन्स आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू आपको आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके बेटा, देखिए a की वैल्यू 2x होल क्यूब. ओके, प्लस 3 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 3, a की वैल्यू आपके पास 2x. ओके, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आपके पास 1 का क्यूब. ओके बेटा, अब इसको क्या करना है, ओपन करना है ब्रैकेट्स को. बेटा देखिए 2 का क्यूब कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब. ओके बेटा, आप देखिए पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है. ओके, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये 1 ही रहेगा. ओके, प्लस 3 2x, बेटा 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होगा. ओके बेटा, इसका रिजल्ट देखिए आप, 8x क्यूब प्लस 3 4 जा 12 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6x. ओके, प्लस 1. ओके बेटा, ये आपके फर्स्ट पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म है. ओके ऑल ऑफ यू, नाउ एनी डाउट, मूव टू द सेकंड पार्ट. बेटा सेकंड पार्ट देखिए आपके पास है 2a माइनस b का होल क्यूब. मींस इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आपकी, माइनस वाली आइडेंटिटी, नेगेटिव वाली. ओके, ए माइनस बी का होल क्यूब. बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब. ओके, सेकंड आइडेंटिटी कौन सी हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब. इसका रिजल्ट क्या है बेटा हमारे पास, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ओके बेटा, आप कंपेयर कीजिए, अपनी a की वैल्यू कितनी आपके पास 2a, और b की वैल्यू कौन सी आपके पास 3b. ओके, मींस आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू आइडेंटिटी में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके बेटा, देखो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a, 2a का होल क्यूब. ओके, माइनस 3 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आपके पास 3b, प्लस a की वैल्यू कितनी आपके पास 2a, b की वैल्यू कितनी आपके पास 3b, माइनस b की वैल्यू कितनी आपके पास 3b होल क्यूब. ओके बेटा देखो इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और a का क्यूब कितना होगा a क्यूब. ओके बेटा, पहले अपन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर. ओके, 3b मल्टीप्लाई इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपन, प्लस 3 बेटा ये ए बी स्क्वायर होता है. ओके, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9,
और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ओके, माइनस थ्री का क्यूब 27 और बी का क्यूब बी क्यूब ओके बेटा। बेटा आप देखिए आपको बस मल्टीप्लाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा ओके। 8a³ माइनस 3 4 12 12 3 36 माइनस का 36 ए स्क्वायर बी ओके। 3 2 कितना हो गया मेरे पास 6 6 9 54 प्लस का 54 ए बी स्क्वायर ओके, देन माइनस 27 बी क्यूब ओके बेटा। नाउ एनी डाउट, मूव टू द थर्ड पार्ट। बेटा थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है 3/2x का होल क्यूब। बेटा सिंबल कौन सा है आपके पास, पॉजिटिव, मींस आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आपके पास, पॉजिटिव वाली ओके। और आपको कंपेयर करना है वैल्यूज को ए और बी की वैल्यूज को ओके। थर्ड पार्ट देखते हैं अपन बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब ओके बेटा। बेटा a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है आपके पास, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ओके। बेटा आप देखिए आप a की वैल्यू कंपेयर कीजिए आपकी कितनी है 3/2x और b की वैल्यू कितनी है 1 ओके। मींस आपको आइडेंटिटी की अंदर क्या रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2x का होल स्क्वायर होल क्यूब क्यूब है ना आपके पास, प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2x का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 प्लस 3 a की वैल्यू 3/2x b की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1 का क्यूब ओके बेटा। बेटा आप देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8 और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब ओके। बेटा पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है तो स्क्वायर है पहले आपके पास, तो स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ओके। बेटा ये देखिए 1 का स्क्वायर करोगे आप 3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर करोगे आप तो ये देखो ये तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा 3/2x और 1 और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है ओके। बेटा देखिए हम 27/8x³ ओके। बेटा देखिए कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा 3 9 27 प्लस का 27 अपॉन में 4x² ओके। ये देखिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है बेटा तो 3 3 9 9 अपॉन 2x एंड प्लस 1 ओके। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट ओके बेटा। नाउ एनी डाउट ओके, मूव टू द फोर्थ पार्ट। एक्स माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब ओके। बेटा सिंबल कौन सा आपके पास, नेगेटिव, मींस इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास, नेगेटिव वाली a माइनस बी का होल क्यूब। बेटा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, देखिए फोर्थ पार्ट एक्स माइनस 2/3 y का होल क्यूब फाइंड करना है आपको ओके बेटा। देखिए आप आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, बेटा इसका रिजल्ट होता है a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब ओके। बेटा कंपेयर कीजिए वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है आपके पास x और b की वैल्यू कितनी है 2/3 y ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट, a की वैल्यू x x का क्यूब माइनस 3 a की वैल्यू x x का स्क्वायर b की वैल्यू 2/3 y प्लस 3 a की वैल्यू कितनी है आपके पास x b की वैल्यू 2/3 y होल स्क्वायर माइनस 2/3 y होल क्यूब ओके। बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिए अपन ने वैल्यूज, अब देखिए आप x का क्यूब करोगे तो x क्यूब ऑब्टेन होगा। बेटा ये देखिए पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है इसका ओके। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास 2/3 y है ओके प्लस 3x। बेटा पहले स्क्वायर कीजिए इसका, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर ओके। 2 का क्यूब कितना होगा 8
वाई का क्यूब 3 का क्यूब 27 एंड वाई का क्यूब वाई क्यूब। ओके बेटा, अब देखिए बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ओके 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ओके अब बेटा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपन रिजल्ट को। ये हो गया हमारे पास x क्यूब माइनस, बेटा देखिए 2 है आपके पास, 2x2y। ओके अपॉन में 1 है हमारे पास, इसके अंदर देखिए आपके पास 4 है प्लस का 4xy2। ओके और लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, 8 अपॉन में 27y क्यूब। ओके ऑल ऑफ यू, नाउ एनी डाउट इन दिस पार्ट? ओके